तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेसबुक दोस्तों दो अकाउंट चलाते हैं, अगर दो अकाउंट यूज करते हैं तो पहला अकाउंट जो है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा रियल रियल है दोस्तों फेसबुक का आईडी, लेकिन दूसरा भी रियल है। पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं इस फेसबुक को यूज करता हूँ और दूसरा फेसबुक मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लॉगिन अनदर अकाउंट और यहाँ पे एक ही अकाउंट दिखा रहा है केवल, लेकिन मुझे दूसरा अकाउंट का पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा फेसबुक का है। उसको हम कैसे पा सकते हैं, यानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको ओपन कर सकते हैं दूसरे आईडी को, तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपका भी दूसरा अकाउंट गुम हो चुका है तो आप उसको कैसे खोज पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों लॉग इन अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से अगर बनाए होंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, मोबाइल नंबर से आपका तुरंत बन जाएगा, जीमेल है तो जीमेल आईडी से भी बन जाएगा। आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने बनाया है अपना अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका जो है पासवर्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन कर देता है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये सर्च करेगा कि मेरा कौन कौन इस नंबर से फेसबुक नंबर बना हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अभी देखते हैं कि किस नाम से मेरा जो है आईडी है और उसको हम कैसे ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस पर बैक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉरगॉटन ऑप्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा पे, अब यहाँ पे दोस्तों जीमेल का है और एसएमएस का है, तो एसएमएस पे हम कर देते हैं और कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। पासवर्ड दोस्तों एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या खुलता है। अब दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा अकाउंट, जो अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अब्दुलरहमान अंसारी के नाम से ये भी है, तो इसको दोस्तों हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये मेरा अब ओके हो गया, ये दूसरा अकाउंट भी मेरा खुल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी अपने दूसरे आईडी को पा सकते हैं या खोज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा दोस्तों की उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने दूसरे अकाउंट को बिना कुछ जाने उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों नए वीडियो में नेट टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।